मी 11X, पोको एफ 3 और रेडमी के 40 के लिए आफ्टर लाइफ रोम प्रोजेक्ट बिल्ड का यानी कि 4.0 बिल्ड आया हुआ है और इसका यहाँ पे कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ। हालांकि ये अनऑफिशियल बिल्ड है और इसके अंदर में क्या कुछ मिलता है, कौन कौन सा फीचर या बग मिलते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। ये एंड्रॉयड 14 नहीं, एंड्रॉयड 13 पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हमें यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे कि सेटिंग्स देखोगे, कुछ इस तरीके के सेटिंग्स हमें मिलती है इसके अंदर में। अबाउट फोन ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा, इसके राइट साइड में एंड्रॉयड वर्जन है एंड अंदर आपको मिलता है आफ्टर लाइव वर्जन 4.0, एंड्रॉयड वर्जन 13 के साथ है। सिक्योरिटी पैच नवंबर 2023 का मिल जाता है और कर्नल वाई जेनिथ वाला जो मिलता था उस तरीके का मिल जाएगा एंड सेलिनक्स स्टेटस इनफोर्सिंग मिल जाता है। अब यहाँ पे जो एनिमेशन है, नॉर्मली एनिमेशन तो अच्छा मिल जा रहा है, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है इसका। जैसे कि यूएस पैनल देखोगे तो बाकी उसे काफ़ी अलग है, कुछ चीज़ें शॉर्टकट्स में यहाँ पे मिल जाती हैं, टाइम ऊपर है, इंटरनेट टाइल पे हॉटस्पॉट है एंड यहाँ पे डाटा यूजर्स है, यूज़र नेम मिल जाएगा नीचे। फिर यहाँ पे आपको जो है ये आपको आफ्टर लैब का जो इसका कस्टमाइजेशन सेक्शन है उसमें जा सकते हो, एडिट का मिल जाएगा, यहीं पे रनिंग सर्विसेज मिल जाता है और इसी के अंदर ही आपको यहीं पे सेटिंग्स भी देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से दी गई हैं इसके अंदर में एंड एडिट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस तरीके के जो है टाइल्स यहाँ पे मिलने वाले। तो बाय डिफॉल्ट इनेबल जो है ये एंड्रॉयड 11 वाला टाइल्स है, बट यहाँ पे जो इंटरफेस है काफ़ी अच्छा है एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर मोस्टली सेटिंग्स मिल जाती है एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में आपको जो है थोड़ा लैग मिलता है, क्यूएस पैनल पे नहीं मिलता, लेकिन जब ऐप ओपनिंग करते हो तो हल्का सा ऐप ओपनिंग में हमें आपको हैवी सा फील होगा, ऐप जब ओपन होता है हल्का सा स्लो सा फील होता है, ये चीज़ देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम पैनल है वो यहाँ पे एक्सपेंड हो जाता है, इसको लेके दिक्कत नहीं है। ऐप ओपनिंग एनिमेशन अगर पावर मेन्यू अगर देखें तो एडवांस रिस्टार्ट है, बाकी ऐप ओपनिंग एनिमेशन की अगर बात करें तो ऐप ओपनिंग एनिमेशन में आपको यहाँ पे जो है नॉर्मल में एनिमेशन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, अच्छे तरीके से ओपन हो रहा है, स्मूथ है। स्क्रीनशॉट के अंदर आपको डिलीट लेंस मिल जाएगा एंड रैम यूज भी है, बाकी आपका ऊपर स्प्लिट स्क्रीन भी मिल जाता है, नीचे क्लियर ऑल बटन भी है। अब यहाँ पे कैमरा जो दिया गया लाइका वाला मिल जाता है तो इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग पिक्चर क्लिक आराम से आप कर पाओगे, पोर्ट्रेट मोड या फिर जो बाकी जो मोड्स यहाँ पे मिलते हैं उनका यूज कर पाओगे, अच्छे तरीके से काम करें। और कैमरे का जो वर्जन यहाँ पे है जो बेसली नॉर्मली हमें मिलता है वो यहाँ पे 4.5 वही 4.5 वर्जन मिलता है। जीकैम मैनुअली इसके अंदर इंस्टॉल कर लेना, काम कर अच्छे से, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही, पिक्चर क्लिक भी, पोर्ट्रेट मोड भी काम कर रहा है, नाइट साइड भी कोई दिक्कत नहीं एंड वाइड बैंड L1 का सपोर्ट वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। बाकी गैलरी नॉर्मल आती है तो यहाँ पे गूगल फोटो इंस्टॉल कर लेना, इसके अंदर में आपको लिमिटेड स्टोरेज का सपोर्ट जो है मिल जाएगा एंड गेम स्पेस भी दिया गया है तो ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी इंटरफेस कैसा हो मैं आगे आपको दिखा दूंगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली इसके अंदर में, यहाँ पे ऐप स्टोर के अंदर में। तो चलते हैं यहाँ पे हम फिलहाल प्ले स्टोर की तरफ। तो प्ले स्टोर इसके अंदर में हमारा बिल्कुल सर्टिफाइड है और सेफ्टी नेट पास आता है, तो बैंकिंग ऐप को लेके कोई दिक्कत नहीं रहेगा, बैंकिंग ऐप आप आराम से यूज़ कर पाओगे। वॉलपेपर स्टाइल के अंदर जाते हैं तो फिर यहाँ पे जो वॉलपेपर है ये इसके अंदर इसके साथ इनबिल्ड आता है और इसके अंदर और भी वॉलपेपर इनबिल्ड देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। बाकी कलर्स के ऑप्शन लेटेस्ट मिल जाएंगे उसे, तो अपग्रेड है यहाँ पे काफ़ी सारे मिलने वाले ये भी, और लॉक स्क्रीन शॉर्टकट भी है, आइकन पैक मिल जाता है, फॉन्ट स्टाइल मिल जाते हैं, आइकन शेप ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है वॉलपेपर स्टाइल के अंदर। वैसे कॉलिंग के अंदर यहाँ पे क्या, कॉल करोगे तो सिर्फ साउंड सुनाई देगा, बाकी UI देखने को मिलेगा ही नहीं, कॉलर ID। तो क्या करना है यहाँ पे एक बार हॉटस्पॉट सिंपली जो है एरोप्लेन मोड को एक बार इनेबल करके डिसेबल कर देना ताकि कॉल कट जाए। उसके बाद ऐप्स में आना यहाँ पे और डिफॉल्ट ऐप्स के अंदर यहाँ पे जाना और इसके अंदर फ़ोन ऐप पे जाके सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट नहीं रहता उसके बाद कॉल करोगे तो आपका UI देखने को मिल जाएगा कॉलिंग का। बाकी इसके अंदर कैरियर वीडियो कॉल का बग हमें देखने को मिलता है, वाईफाई कॉलिंग काम करता है, बस सेटिंग्स इनेबल कर लेना एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और जो कॉल रिकॉर्डिंग है ये भी वर्किंग है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। बाकी ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया कॉलिंग दोनों के साथ काम कर रहा है। अब यहाँ पे बैटरी देखें तो 2 आवर 80% ब्रांड्स पर वीडियो प्ले करने के बाद 91% बैटरी हमें इसके अंदर देखने को मिली है और चार्जिंग टाइम देखें तो 48% चार्ज करने में 50 मिनट का टाइम जो है यहाँ पे लगा है इसके अंदर लास्ट का 48% चार्ज करने में। बाकी बैटरी ड्रेन देखें तो 76% नाइट में था, मॉर्निंग में 74%, तो 2% का नॉर्मल जो ड्रेन है वो देखने को यहाँ पे मिला है। और अब सेटिंग में यहाँ पे क्या है कि इसके सेटिंग के अंदर भी जो हेडर टेक्स्ट है या हेडर इमेज है इस तरीके से स्टाइल में मिलता है, दूसरे रोम्स थोड़ा अलग सा यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है रहेगा। चलते आफ्टर लैब्स के अंदर इसके, जो कि इसका पूरा कस्टमाइजेशन वाला सेक्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेटस बार में जाते हैं तो यहाँ पे आफ्टर लाइव का लोगो के लिए है जिसमें पोजीशन चेंज कर पाओगे, स्टेटस बार बैटरी कस्टमाइजेशन है जिसमें बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंटेज एंड चार्जिंग है, क्यूएस के लिए बैटरी स्टाइल है और बैटरी बार का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है।
स्टेटस बार के आइकन्स मिल जाते हैं यहाँ पे नीचे, फिर क्लॉक का पोजीशन इन्हें पीएम के लिए मिल जाएगा, ट्रैफिक इंडिकेटर मिल जाता है नीचे, फिर डबल टैप स्लीप स्टेटस बार के लिए है, 4G आइकन है, डिस्प्ले 5G इंडिकेटर जो कि फेक तरीके से शो करेगा, बाकी यहाँ पे कंबाइन सिग्नल आइकन है जिससे सिग्नल आइकन आपका हाइट रहता है, कॉल स्ट्रेंथ मिल जाता है, सो डाटा रिसेबल इंडिकेटर, रोमिंग इंडिकेटर, माइक कैमरा प्राइवेसी इंडिकेटर, लोकेशन प्राइवेसी इंडिकेटर, ये सब जो है यहाँ पे मिलता है। थीम्स के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आफ्टर लैब का जो है स्टाइल यहाँ पे मिलता है, जो कि यहाँ पे ग्रिड सेलेक्ट करोगे, बैक करो एक बार यहाँ पे और वापस आओगे तो इस तरीके का स्टाइल आप देखोगे, तो यहाँ पे जो आफ्टर लैब का स्टाइल है वो यहाँ से चेंज कर देता है ये, तो इस तरीके से काम करेगा। इसी में और भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लैब का यूज़र नेम अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर पाओगे, ब्लर हेडर के लिए मिल जाएगा। कैटेगरी जो मिलती है यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी जो बनी हुई, ये वाली कैटेगरी आप देखोगे, ये जो कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी बनी रहती है सभी जगह के लिए, इनका स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर पाओगे, जैसे कि इस तरीके से चेंज हुआ। अब इसी में टाइटल में यहाँ पे ऑल कैप्स इस तरीके से करना चाहो या अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, किस तरीके से आप रखना चाहते हो पूरा कस्टमाइज उसको कर पाओगे, जो कैटेगरी मिलती है हर जगह उनको पूरा कस्टमाइज कर पाओगे, जैसे कि यहाँ पे भी कैटेगरी, यहाँ पे भी अलग अलग सभी जगह की जो कैटेगरी होती है उनको पूरा कस्टमाइज आप कर पाओगे, चाहे फिर उनका पोजीशन हो या लेफ्ट राइट पैडिंग हो या टॉप पैडिंग हो, आप देख सकते हो हर जगह के लिए यहाँ पे दिया गया है प्रॉपर कस्टमाइज, उसको करने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो उस चीज़ को कस्टमाइज कर पाओगे। बार फिर यहाँ पे मोनेट इंजन मिल जाता है जो कि बिल्कुल काम कर रहा है, एंड हेडलाइन बॉडी फॉन्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एंड क्लॉक फॉन्ट स्टाइल है, आइकन पैक यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसी के नीचे सिग्नल आइकन स्टाइल देखने को मिल जाएगा, वाईफाई आइकन स्टाइल है, आइकन सेप ये हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ये सारी चीज़ें जो है थीम्स में मिलती हैं। एंड अब चलते हैं हम यहाँ पे जेस्चर की तरफ, तो वॉल्यूम बैक है, क्लिक टू पर्सन स्क्रीनशॉट है, सिस्टम सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे जाओगे तो सिस्टम नेविगेशन है, जिसमें जेस्चर में आपको यहाँ पे जो है बैक सेंसिटिविटी सेटिंग्स है, कस्टम जो कि पिल हैंडल के लिए भी यहाँ पे मिल जाता है, पिल लेंथ रेडियस या फिर पिल बॉटम के लिए, इमर्सिव नेविगेशन, ये सब चीज़ें मिलेंगी, और उसे बटन अगर आप यूज़ करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बटन अच्छे से काम करो, जेस्चर भी अच्छे से काम करो, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। बार भी प्रेस एंड होल्ड पावर बटन है, कंट्रोल प्लेबैक, क्विक टॉर्च, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, ये सब रहेगा। तो यहाँ पे ये जेस्चर में, क्विक सेटिंग में जाते हो तो कलर जो कि QoS नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फूटर प्रोफाइल पिक्चर मिल जाता है यहाँ से सेलेक्ट कर पाओगे, तो अभी एक बार डिवाइस रिस्टार्ट कर लोगे तो ये शो करेगा, बाकी QoS फूटर यूज़र नेम जो है वो भी आप यहाँ से चेंज कर पाओगे, एंड टाइल सेप चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज कर पाओगे नीचे, फिर आपको डुअल टोन मिल जाएगा, एंड बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी QoS के लिए, एंड ऑटो ब्राइटनेस आइकन इनेबल कर पाओगे यहाँ से, एंड नीचे टाइल एनिमेशन मिल जाता है। बाकी अब चलते लॉक स्क्रीन में, तो यहाँ पे स्क्रीन ऑफ एनिमेशन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का शेड्यूल सेट कर पाओगे, अम्बिन बैक जेस्चर है, लॉक स्क्रीन के लिए डबल टैप स्लीप मिल जाता है, बैक ऑन प्लग है, डबल टैप डबल लाइन क्लॉक मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन, एरर वाइब्रेशन और रिफिल इफेक्ट है, रिफिल इफेक्ट है जैसे कि एनिमेशन को आप ऑफ कर सकोगे पर कर पाओगे फिंगरप्रिंट का, चार्जिंग एनिमेशन है, मीडिया कवर आर्ट है, डिस्प्ले डिसेबल पावर मेन्यू ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन था, बाकी नोटिफिकेशन में किल ऐप बटन है, हेडसेट नोटिफिकेशन के सेटिंग्स लेस अनोइंग मिल जाएगा, कलर नोटिफिकेशन आइकन के लिए है, रिटीकर है जिससे नोटिफिकेशन रीडिजाइन हो जाता है, क्लियर ऑल नोटिफिकेशन बटन का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें मिलती है, और लास्ट में एज लाइटिंग नोटिफिकेशन भी यहाँ पे मिल जाता है। एंड मिसलेनियस के अंदर में अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज है, अनलॉक हाई रेपेशन गेम है, अलाउ सिग्नेचर स्पूफिंग मिल जाएगा, वेदर की सेटिंग्स है, एंड्रॉइड पी एनिमेशन है जो कि अच्छे से काम कर रहा है, इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग है जिससे आप स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग की लिमिट सभी ऐप से रिमूव कर पाओगे, इन कॉल वाइब्रेशन ये भी हमें मिल जाता है, और फिर है हमारा यहाँ पे पावर मेन्यू, जिसमें आपको पावर मेन्यू स्टाइल मिलता है, पावर मेन्यू ओपेसिटी है, पावर मेन्यू एनिमेशन है, एंड ओपेसिटी है और डिम बैकग्राउंड को मिलता है। अब कनेक्टिविटी के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे सिम के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे प्रेफर्ड नेटवर्क काफ़ी सारे हमें देखने को मिल जाते हैं, बाकी वाईफाई कॉलिंग भी यहीं पे है तो इसको इनेबल आप कर लेना, और हॉटस्पॉट ये भी अच्छे तरीके से काम करे तो इसको लेके भी कोई दिक्कत वैसे नहीं है, प्राइवेट DNS भी यहीं पे मिल जाता है। कनेक्टेड डिवाइसेस में जाते हो तो ब्लूटूथ टाइम आउट है और वाईफाई के अंदर भी इस तरीके का टाइम आउट मिलेगा, बाकी कास्ट को लेके कोई दिक्कत नहीं, कास्ट आपका काम कर इसके अंदर में तो उसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐप्स के अंदर जाते हो तो फिर यहाँ पे पैरेलल स्पेस देखने को मिल जाएगा जो कि डुअल ऐप क्रिएट कर पाओगे, तो ये बिल्कुल काम कर रहा है, एंड गेम स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, इसके इंटरफेस आगे हम दिखा देंगे, एंड इसके अंदर वैसे आपको गूगल असिस्टेंट का बग है ये काम नहीं कर रहा, तो गूगल असिस्टेंट का यहाँ पे थोड़ा सा बग मिलने वाला है। और लॉन्चर में जाते हो तो यहाँ पे नॉर्मली जो कस्टम वाला मिलता है उसी तरीके का है, आइकन्स की सेटिंग्स है, होम स्क्रीन में आपको वॉलपेपर जूम इफेक्ट ये मिल जाएगा, शॉर्ट पैरेलैक्स या फिर हॉट सीट बैकग्राउंड हो गया, एड ग्लेंस हो गया, गूगल सर्च बार हो गया, ये सब रहेगा यहाँ पे। एंड बाहर में फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन मिल जाएगा, थीम्ड आइकन, ऐप सर्च बार, ये सब चीज़ रहेंगी। रीसेंट के अंदर ओपेसिटी है, मेमोरी इन्फो है, सेक फॉन्ट क्लियर ऑल टास्क है, एंड सजेशंस भी है, बाकी मिसलिनियस में बैकग्राउंड ब्लर है, हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स है, बट यहाँ वाला ऐप लोग यूज़ मत करना, एंड सिक्योरिटी के अंदर जो दिया गया उसका यूज़ करना, वो ज़्यादा सिक्योर है, वहाँ पर भी आपको मिलेगा। नोटिफिकेशन के अंदर नॉर्मली सेटिंग्स है नोटिफिकेशन से रिलेटेड, बाकी हमारा साउंड एंड वाइब्रेशन है जिसमें मल्टीपल सिम पर रिंगटोन लगा पाओगे, एंड नीचे यहाँ पे स्पेशल ऑडियो है फोन स्पीकर के लिए और वायर्ड हेडफोन के लिए मिल जाता है,
एंड मीडिया लेटेस्ट रहने वाला है, वाइब्रेशन एंड हैप्टिक ये काम कर रहा है अच्छे तरीके से। और फिर नीचे आता है यहाँ पे बाकी के साउंड के ऑप्शन, इसी में नीचे आपको पर वॉल्यूम कंट्रोल भी मिलता है, डॉल्बी एटमॉस भी यहीं पे मिल जाता है, तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ जो कि काम कर रहा है अच्छे तरीके से। और इसी में नीचे डायरेक्ट साउंड एनहांसर भी दिया गया जिसमें सेलेक्ट सीन और हाई फाई मिल जाता है, तो ये भी हमारा बिल्कुल वर्किंग है तो इसको लेकर भी दिक्कत नहीं। और क्लियर स्पीकर भी यहीं पर मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन पर। अब आते हैं डिस्प्ले की तरफ, तो यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा डिम मिलता है। लॉकिंग के अंदर जाता तो यहाँ पे ऑलवेज और टाइम इन्फो दिया गया जो कि ऑलवेज ऑन हमारा काम कर रहा है, तो इसको लेके ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, अच्छे तरीके से ये वर्किंग रहने वाला है। ऑलवेज ऑन व्हेन चार्जिंग का भी है, वैक्सीन फोन नोटिफिकेशन भी मिल जाते हैं यहीं पे। और बाहर में फिर आता है हमारा डार्क थीम जिसके अंदर आपको यहाँ पे कोई भी प्योर डार्क का ऑप्शन नहीं है। नाइट लाइट, लाइव डिस्प्ले, कलर्स का ऑप्शन मिल जाते हैं, रोटेशन मोड्स नहीं, नॉर्मल है, रिफ्रेश रेट है, अलाउ विंडो लेवल ब्लर मिल जाएगा, टैप टू वैक है, फुल स्क्रीन ऐप्स है, पॉकेट मोड है, मिन डिस्प्ले है, पर रिफ्रेश रेट है, डीसी डिमिंग है, हाई ब्राइटनेस मोड है, ये सब मिलेगा। बैटरी के अंदर बैटरी यूजर्स है, बैटरी सेवर मिल जाएगा, अडेप्टिव बैटरी है, बैटरी चार्जिंग वार्निंग है, तो ये सब आपको यहाँ पे बैटरी के अंदर मिलने वाला है। और लेटेस्ट चार्जिंग एनिमेशन वो रहेगा तो आपको मिलेगा ही। एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर तो एक्स्ट्रा नहीं है क्योंकि डिस्प्ले के अंदर मूव हुआ पड़ा अभी। एंड सिक्योरिटी के अंदर जाते हो तो फिर यहाँ पे फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट मिल जाता है इसके अंदर में, बाकी ऐप लॉक भी है। और मोर सिक्योरिटी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ये रोम वैसे इंक्रिप्टेड आता है, मैं इसको डिक्रिप्ट किया हूँ, बट फुली इंक्रिप्टेड आता है। और यहाँ पे पैटर्न साइज हमें जो है देखने को नहीं मिलता, तो मैं यहाँ पे पिन ऐड करता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ क्या कुछ बाकी मिलने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो टच टू अनलॉक एट एनी टाइम का ऑप्शन मिल जाता है फिंगरप्रिंट में, जिससे आपको इनेबल करने के बाद ऑफ स्क्रीन पे भी आपका फिंगरप्रिंट काम करेगा, बाकी फिंगरप्रिंट हमारा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और फेस अनलॉक की अगर बात करें तो ये भी जो है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो फेस अनलॉक भी आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग है। और सेटिंग में यहाँ पे इनहैंड पिन प्राइवेसी है, स्क्रैम्बल लेआउट है, क्विक अनलॉक मिल जाता है। स्क्रैम्बल लेआउट से जैसे कि हमारा नंबर लेआउट जो है हर बार चेंज देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी चेंज हुआ पड़ा है, बाकी इनहैंड पिन प्राइवेसी से आपका एनिमेशन डिसेबल हो जाता है तो आपका काम करेगा। एंड क्विक अनलॉक, करेक्ट पासवर्ड डालोगे तो अनलॉक हो जाएगा। ऐप लॉक के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ऐप लॉक की अगर बात करें तो यहाँ पे सिस्टम एप्लीकेशन भी सपोर्टेड है, ऐप को हाइड भी कर पाओगे, तो यहाँ का यूज़ करना, लॉन्चर में जो दिया उसको इग्नोर करना, यहाँ वाला यूज़ करना। एंड ऑटो लॉक टाइम आउट 5 सेकंड से 30 मिनट तक का रहने वाला है। और अब चलते हैं हम यहाँ पे नीचे, तो डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट है, बाकी सिस्टम के अंदर लैंग्वेज में जाओगे तो ऐप लैंग्वेज में यहाँ पे 4 एप्लीकेशन ही सपोर्टेड है। एनआईपी अपडेटर दिया गया है, बाकी इसके अंदर थर्मल प्रोफाइल ये हमें देखने को मिल जाता है, तो इसका डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लेता हूँ और चलते हैं इसके अंदर, फिर देखते हैं क्या कुछ हमें यहाँ पे मिलता है, हाइड नॉच है कि नहीं है। तो चलते हैं यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन के अंदर डिस्प्ले कटआउट के अंदर, तो यहाँ पे डिस्प्ले कटआउट है बट हाइड नॉच नहीं मिलता, यहाँ पे हमें हाइड नॉच नहीं मिलता। अब एंटूटू स्कोर की बात करें तो 8,95,775 हमें इसके अंदर मिला है एंटूटू स्कोर, और जो इसका सीपीयू थ्रोलेट है वो अगर देखें तो यहाँ पे 93% है। जिप स्कोर मैक्स पे 2,34,000 मिल जा रहा है, एवरेज स्कोर 2,25,000 करीब मिल रहा है। एंड गीगवेंच स्कोर सिंगल में 1,318 है, मल्टी के अंदर 3,493 जो है देखने को हमें यहाँ पे मिल जा रहा है इसके अंदर में। और इसका जो बूट एनिमेशन इस रोम का कुछ इस तरीके का जो है बूट एनिमेशन रहेगा, बाकी ये रोम इंक्रिप्टेड आता है, आपको इंस्टॉलेशन डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा रिकमेंडेड रिकवरी के साथ में, जो पुराना वाला एंड्रॉइड 13 का है वही सेम रहेगा। अब यहाँ पे गेम्स पे जो है कुछ इस तरीके का रहने वाला है, यहाँ पे मोड है, एफपीएस इन्फो है, स्टे बैक है, लॉक जेस्चर है, हालांकि लॉक जेस्चर इसका काम नहीं कर रहा था, इनेबल करने के बाद भी देखा तो मैं इसके अंदर काम नहीं कर रहा था, और कुछ प्रॉब्लम और भी हैं, जैसे कि यहाँ पे 90 पेस तक अनलॉक है, बाकी अल्ट्रा जी तक रहेगा, लेकिन स्मूथ एंड 90 पेस मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और मैं इसी पे खेलने वाला हूँ स्मूथ एंड 90 FPS पे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको बताऊंगा, एक तो यहाँ पे आप किस में दिक्कत है, क्योंकि मेरे हिसाब से गेम में ही प्रॉब्लम है, यानी कि इस रूम के अंदर ही गेमिंग को लेकर के प्रॉब्लम, क्योंकि गेमिंग में काफ़ी स्लो सा फील हो रहा था, जैसे तो जायरो काफ़ी स्लो, जैसे नॉर्मल से डिवाइस नहीं होते उस टाइप का जायरो इसके अंदर काम करता, बिल्कुल स्लो था, किसी को मारने जा रहा हूँ मैं ही मर जाऊँ, उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था जायरो, काफ़ी स्लो सा फील हो रहा था, और गेम के अंदर खासकर टच रिस्पॉन्स थोड़ा सा यहाँ पे स्लो था। और एक बार क्या हुआ कि गेम जब स्वाइप करके होम स्क्रीन पे गया तो होम स्क्रीन पूरा जो है लैग सा कर रहा था, तो ये एक दिक्कत मुझे इसके अंदर देखने को मिली है यहाँ पे, कि गेम ओपन करके जब होम स्क्रीन पे गया था तो ये प्रॉब्लम देखने को मिला था। रिस्टार्ट करने के बाद थोड़ा फिक्स हो जाता है, बट गेम के अंदर ये एक इशू देखने को मिला। और साथ साथ साइड में आप रिफ्रेश रेट भी देख सकते हो, 61 FPS से आगे नहीं बढ़ रहा है, इतना ही सिर्फ शो कर रहा है, जबकि 90 FPS सेलेक्ट करके मैं गेम खेल रहा हूँ, और डिस्प्ले के अंदर से भी वैसे वहाँ से भी रिफ्रेश रेट को जो है मैं सेलेक्ट कर रखा हूँ 120 Hz ताकि 90 FPS काम करे, तो फिर भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम मुझे देखने को इसके अंदर में मिला है। कई बार ऑन ऑफ करके भी देखा बट सेम दिक्कत मुझे देखने को इसके अंदर में मिली है, तो मे भी ये इशू है इसके अंदर में। और गेमिंग परफॉर्मेंस तो फिलहाल अगर ऐसे है यहाँ पे इसके साथ तो बिल्कुल भी मैं कहूँगा कि अच्छा नहीं है, गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर अच्छा आपको देखने को
नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम देखने को इसके अंदर मिला है। मे भी अगर अगला अपडेट आता है फिक्स कर दिया जाए, बट अभी ये प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिला है। 61 FPS यहाँ पे शो कर रहा है, बट बाकी में मैं आपको बताऊँ तो 60 FPS फील ही नहीं होता, उससे कम ही बल्कि यहाँ पे फील होने वाला है। अब पता नहीं क्यों ये यहाँ पे 61 FPS भी क्यों शो कर रहा है, क्योंकि उससे कम ही फील हो रहा है। यहाँ पे जायरो भी एक तरीके से स्लो है, थोड़ा टच इशू जो है यहाँ पे हल्का सा देखने को मिला है गेम के अंदर में। तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर मुझे देखने को यहाँ पे मिली है। तो फिलहाल यही था आज की इस वीडियो में, यही सारी चीज़ें थी। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।